आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले हाल फिलहाल चल रही ट्रेड विंडो में हमें काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले। अब तक ट्रेड विंडो में काफी सारी हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिली है। मैं इस वीडियो में आपको आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन की ट्रेड विंडो की आपको कंप्लीटली हाईलाइट बताऊंगा, आपको बताऊंगा किस प्रकार से अब तक ट्रेड विंडो चली, आपको कंप्लीट हाईलाइट इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले यहाँ पर चल रही ट्रेड विंडो की हाइलाइट्स क्या कि ट्रेड विंडो में अब तक क्या क्या यहाँ पर उलट फिर हुए, कौन कौन से खिलाड़ी ट्रेड हुए और अब बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर किस प्रकार से अब ट्रेड होंगे। तो अब बात करते हैं ट्रेड विंडो के हाइलाइट्स की। तो ट्रेड विंडो में सबसे पहले यहाँ पर जेसन बेरेंडोप की हमें ट्रेड देखने को थी मुंबई इंडियंस में, आरसीबी से ट्रेड हुए था, आरसीबी से मुंबई में गए थे, केवल 75 लाख में इनकी ट्रेड की डील डन हुई थी। इसके बाद जो दूसरी ट्रेड हुई थी वो हुई थी यहां पर गुजरात टाइटंस के गुरबाज की। दरअसल गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज गुरबाज यहां पर कोलकाता में ट्रेड होकर गए थे, केवल 50 लाख में इनकी ट्रेडिंग की डील डन हुई थी। दूसरे ऑफिशियल ये ट्रेड प्लेयर बने थे। इसके बाद जो तीसरी ट्रेड हुई थी वो भी यहां पर गुजरात के तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन की हुई थी। दरअसल लोकी फर्ग्यूसन गुजरात से ट्रेड होकर ये भी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स में गए थे और यहां पर फर्ग्यूसन 10 करोड़ के बड़े अमाउंट में कोलकाता नाइट राइडर्स में गए थे। तो 10 करोड़ में फर्ग्यूसन कोलकाता में ट्रेड हुए। इसके साथ ही फर्ग्यूसन के कोलकाता में जाने के बाद इस टीम की गेंदबाजी वैसे भी काफी मजबूत हो चुकी है, तो फर्ग्यूसन 10 करोड़ में यहां पर ट्रेड हुए। इसके बाद जो यहां पर चौथी ऑफिशियल ट्रेड हुई है वो ये शार्दुल ठाकुर की। दरअसल शार्दुल ठाकुर भी दिल्ली कैपिटल से यहां पर ट्रेड होकर अब कोलकाता में जा चुके हैं। 10.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको ट्रेड किया। तो शार्दुल ठाकुर को ट्रेड करने के लिए चेन्नई, इसके साथ ही राजस्थान और भी टीमों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स से कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने केवल यहाँ पर कोलकाता के साथ ही ट्रेड करी। और इन खिलाड़ियों की ट्रेड के बाद अब ट्रेड विंडो कल के दिन तक चलेगी। कल ट्रेड विंडो का आखिरी दिन रहेगा। कल के शाम से पहले हमें यहाँ पर मयंक अग्रवाल, देवदत्त पाडिकल, कायरन पोलार्ड, एडम मिलने, केन विलियमसन, जेसन होल्डर, ऐसे प्लेयर्स की यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगी। हो सकता है कि और खिलाड़ियों के नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाए। कल शाम से पहले अब 4-5 और ट्रेड्स देखने को मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी ट्रेड होगी वो सबसे पहले ऑफिशियल यहाँ पर बताई जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट अभी ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइए आपको इस ट्रेड विंडो में कौन सी टीम का सबसे बढ़िया फैसला, कौन सी टीम का सबसे बेकार फैसला लगा है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।